यहाँ हमारे से गाड़ी का टायर सेट नहीं होता, वहाँ कॉनिक्सिक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड सेट करी जा रही है। हाँ, एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, पिछले साल कॉनिक्सिक ने अपनी रेगेरा के साथ एक रिकॉर्ड बनाया था 0 to 428.81 सेकंड में, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को खुद कॉनिक्सिक ने ही तोड़ दिया अपनी नई जिसको एब्सोल्यूट के साथ 0 to 427.83 सेकंड, जो कि बन गया है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड रिकॉर्ड के साथ साथ जेस्को एब्सोल्यूट वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार बन चुकी है रिवक नेवेरा से भी ज्यादा फास्ट। कॉनिक्सिक जेस्को एब्सोल्यूट के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में 5.0 लीटर का V8 ट्विन टर्बो इंजन जो 1600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन पावर के साथ साथ इसके वेट ने भी इसकी काफी मदद की है क्योंकि इसका वेट काफी कम है 1390 kg। जेस्को एब्सोल्यूट के बैक साइड में एक विंग दिया है जो इसको काफी तेज गति से दौड़ने में मदद करता है। एंड इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी है। कॉनिक्सिक ने बुगाटी विरोन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन पहले बुगाटी विरोन थी वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार, लेकिन अब नहीं है। अब कॉनिक्सिक वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार बन चुकी है। क्या बुगाटी विरोन अब इस कॉनिक्सिक के नए रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।